नमस्कार 18 आवर्स स्वदेश के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का स्टार्टअप मंत्र है बेहद खास, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर से। जी हां, एक ऐसी आवाज जिसे आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर सुना होगा, एक यूट्यूबर, एक एंटरप्रेन्योर और हां एक एस्टैब्लिश्ड ऑथर अंकुर वारिकू, of course a motivator as well. Thank you Mansi, thank you so much for doing this with us and it's such a pleasure to have you. Thank you so much. Bahut acha lag raha hai Ankur. Mera sabse pehla sawal, आज के अंकुर वारिकू को सब जानते हैं, लेकिन आपकी कहानी क्या है? क्या आप हमेशा से इतने इंट्यूटिव, इतने क्यूरियस थे? आपका बचपन कैसा था, शुरुआत कैसी रही? श्योर, तो मैं दिल्ली में पला बड़ा एंड बचपन से ही मानसी दिल्ली तमन्ना थी कि बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, साइंटिस्ट बनेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, ज़िंदगी एकदम सेट थी। और वो पाथ ना बहुत वेल डिफाइंड था, क्योंकि उस समय पे 1980s 1990s भारत में आप CA, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो लाइफ एकदम सेट है, प्रेडिक्टेबल है, कहीं कुछ रोक टोक नहीं होगी, एग्जैक्टली पता है क्या होने वाला है। तो उसी राह पे मैं चल रहा था, बचपन से काफ़ी क्यूरियस बच्चा था, लेकिन सीधा साधा, लाइक कहीं कुछ बदमाशी नहीं, टीचर्स हार्डवर्किंग, पढ़ाई, यही पता था कि पढ़ाई से ही एस्केप वेलोसिटी मिलती है टू चेंज योर ऑर्बिट, क्योंकि वही एक प्रूवन पाथ था। तो फिर आप शार्प माइंडेड भी थे? हाँ हाँ, क्यूरियस में डेफिनेटली था, काफ़ी बहुत जिज्ञासु, सवाल पे सवाल कि लोग परेशान हो जाते थे। एंड फिर मैं US गया अपनी पढ़ाई के लिए एंड वहाँ 2 साल जब मैंने पढ़ाई करी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं पढ़ रहा था उस चीज़ में मैं अच्छा था, लेकिन उस चीज़ को करने में मैं खुश नहीं था। एंड ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग रियलाइजेशन थी कि जिस चीज़ में आप अच्छे हैं और जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, वो दो अलग चीज़ें हो सकती हैं। एंड व्हेन दैट हैपेंड आई वाज लाइक कि इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। सो आई एक्चुअली केम बैक टू इंडिया, पूरी ज़िंदगी फिर से 24 साल की उम्र में शुरू करी एंड MBA किया, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि MBA करने से थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है, तो वो किया। एंड देन फिर उसके बाद कंसल्टिंग की एक जॉब करी एंड 2009 में एक मौका मिला स्टार्टअप करने का अपने बैचमेट के साथ फ्रॉम ISB एंड तब से स्टार्टअप की दुनिया में ही हूँ और बहुत अलग दुनिया है। ये जो आपने कहा कि आप जिस चीज़ में अच्छे थे वो आप कर भी रहे थे, बट जैसे आपने रियलाइज़ किया दैट दिस इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, आपने एक्चुअली एक शिफ्ट लिया, ये आसान नहीं है, इस शिफ्ट को आपने कैसे मैनेज किया? इस शिफ्ट को मैनेज करना दो चीज़ों ने आसान किया। नंबर एक, मैं स्कॉलरशिप पे गया था पढ़ने के लिए, विच आई नो अबाउट, यस, तो उसका ना कुछ खर्चा नहीं था, तो एक कॉग्निटिवली कोई फाइनेंशियल गिल्ट नहीं था कि यार माँ बाप का इतना पैसा खर्च हो गया या खुद का इतना पैसा खर्च हो गया है, अगर ड्रॉप आउट करेंगे तो बुरा लगेगा। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। गए थे और आप कमा भी रहे थे वहां? मैं कमा भी रहा था। Wonderful. Everyone knows you. नहीं, you have done your homework. Thank you for that. कमा भी रहा था and बहुत अच्छे से भी कमा रहा था, तो एक financial guilt नहीं था, financial pressure नहीं था, तो उस चीज़ ने certainly आसान किया। दूसरा, which I realized at that point of time कि मैं जिस personality का था, जिस फितरत का था, मुझे हर चीज़ में best होना पसंद था। और मुझे ये realize हुआ कि अगर किसी चीज़ को करने में मैं खुश नहीं हूँ ना, तो उस चीज़ को करने में मैं कभी बेस्ट नहीं बन ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि कभी दिल से ही नहीं काम करने का मौका मिलेगा, ऐसा लगेगा कि वो मेहनत है, ज़बरदस्ती है। तो वो एक कॉम्बिनेशन जस्ट मेड इट वेरी इजी फॉर मी टू से कि वापस चलते हैं एंड ज़िंदगी फिर से शुरू करते हैं। एक थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड ये विश्वास भी था, यार माँ बाप ने इतनी वैल्यूज़ दी हैं, पढ़ाया लिखाया है, खुद की इंटेलिजेंस पे थोड़ा बहुत भरोसा भी है कि भूखे नंगे तो नहीं मरेंगे, लाइक ज़िंदगी थोड़ी एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जहाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। एंड देन आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ। तब आपके दिमाग में या मन में कुछ नहीं था क्या करना है, बट यू जस्ट मतलब यहाँ से निकलना है और कुछ और करना है, ठीक है। सो आपके बचपन ने आपकी ग्रोथ को कितना डिफाइन किया? बिकॉज मैं जानती हूँ कि बचपन में देर वॉज अ टाइम जब एक स्ट्रगल सम पीरियड भी चल रहा था, देर वॉज अ सिनेरियो, आई थिंक आप 6th स्टैंडर्ड में जब थे एंड आपके फादर की जॉब चली गई थी, हाउ वॉज दैट फेज और वहाँ से निकलना किस तरह से हो पाया? सबसे बड़ी चीज़ मानसी जो ज़िंदगी ने सिखाई, खासकर जब पैसे के बिना बचपन बिताया जाता है, कि पैसा या तो तुम्हारा पूरा ऑब्जेक्टिव बन सकता है
या तुम अपने जिंदगी का ऑब्जेक्टिव बना सकते हो कि पैसे के बियॉन्ड जाओगे. एंड दीज टू आर वेरी डिफरेंट पाथ्स. जिसके पास पैसा नहीं होता बोलता है मैं जिंदगी में इतना पैसा कमाऊंगा और जिंदगी पूरी पैसे कमाने में लगा दूंगा कि वो एक ड्राइव आ जाती है, वो एक एम्बिशन आ जाता है. बट देन आई फील दैट यू बिकम एडिक्टेड टू दैट जर्नी. कभी भी जितना भी पैसा हो कम लगता है, कभी भी पूरा नहीं लगता, कभी भी इनफ नहीं लगता है. एंड देन देयर कुड बी द अदर पाथ व्हिच इज कि मैं कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से मैं पैसे का गुलाम बन जाऊं. मैं पैसे को कभी भी अपना मालिक बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही उसको वो ओहदा दूंगा. एंड दैट हैपेंड टू मी. आई डोंट नो हाउ दो, आई डिड नॉट कॉन्शियसली चूज दैट पाथ. बट मुझे पैसे से इतनी नफरत थी क्योंकि मुझे लगता था कि पैसा ही हमारे सारे फैमिली में जो तनाव है, जो सफरिंग है, जो पेन है, उसकी जड़ है. दैट आई लाइक मैं कभी भी पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा. एंड दैट टुक मी ऑन टू अ जर्नी वेयर इवन टिल डेट आई वुड नेवर अलाउ मनी टू बी द रीज़न आई एम मेकिंग एनी डिसीजन. आई वुड ड्राइव माई हैप्पीनेस एंड माई कोर इंटेंट एज द मेन फोकस. एंड मुझे पता है कि अगर वो सही से करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. सो यू वर नॉट रनिंग बिहाइंड मनी इवन व्हेन शॉर्टेज और स्कैसिटी आपने देखी थी बचपन में. लेकिन फिर भी ये जो एक इनलाइटनमेंट है ये आना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं आती लोगों में. लेकिन अब बात करते हैं चैलेंजेस की, या उससे पहले इनफैक्ट बात करते हैं स्टार्टअप जर्नी की. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप मंथ. सो आप बताइए स्टार्टअप जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या सोचा था, आइडिया किस तरह से आया, इनिशिएट कैसे किया और एग्जीक्यूट कैसे हुआ? तो पहला स्टार्टअप जो मैंने जिसमें भाग लिया था वो मेरा आइडिया नहीं था. मेरे फाउंडर विवेक का आइडिया था. वो मेरा बैचमेट था ISB से. एंड एक दिन मैं उनसे मिल रहा था एंड ही वाज लाइक कि मैंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है. मैंने बोला क्या नाम है? लाइक secondshaadi.com. क्या ये वही करता है जो मुझे लगता है ये करता है? हाँ यार, भारत में बहुत शादियाँ होती हैं लेकिन जो भी लोग डिवोर्स हो जाते हैं, विडोड हो जाते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है टू गेट मैरिड अगेन इफ दे वांट टू. आई थिंक तो बहुत बढ़िया आइडिया. एंड आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड हेल्प एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस अबाउट इट. ही सेड ठीक है, साथ में करके देखते हैं. मेरी तब फुल टाइम जॉब थी, सो आई डिड नॉट क्विट दैट जॉब एंड आई कंटिन्यूड इन द जॉब फॉर अ ईयर एंड अ हाफ. सो कमिंग बैक टू इंडिया आप जॉब कर रहे थे? हाँ, मैं जॉब कर रहा था. एंड उस जॉब में ही दिन में जो भी जॉब होती थी, रात को जितना भी वक्त मिलता था, मैं विवेक के साथ सेकंड शादी पे उसकी मदद था. एंड देखते 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 एक ऐसे मकाम पे आ गया जहाँ इट नाउ रिक्वायर्ड माई फुल टाइम एंड इट वॉज समथिंग दैट आई कुड टेक अ लीप फॉर. अगेन द सेम थीसिस दैट आई सेड कि लाइफ में भूखे नंगे नहीं मरेंगे, बेस कवर्ड है. मैं अगर इस चीज़ में सक्सेस नहीं भी पा पाया, मैं वापस इस जॉब में जा सकता हूँ क्योंकि इस जॉब में मैं खुश था, लोग मुझसे खुश थे. तो आई न्यू कि ये जॉब छोड़ के अगर मैं सेकेंड शादी कर भी लूँगा एंड फॉर व्हाटएवर रीज़न सेकेंड शादी नहीं चलेगा, वापस एक जॉब मिल जाएगी. राइट. लेकिन ये मौका जो है ना वो शायद फिर से नहीं मिलेगा. तो मौका लेके देखते हैं. एंड लिया एंड दैट देन स्टार्टेड द फर्स्ट जर्नी इन 2009 और फिर तब से मुड़ के देखा ही नहीं. सो हाउ डज इट फील टू बी एन एंटरप्रेन्योर, अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर? इट्स अ वंडरफुल फीलिंग मानसी. एंड मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि आजकल खासकर ना फाउंडर बनना बड़ा कूल हो गया है. अरे मैं फाउंडर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, लोगों को एंटरप्रेन्योर वर्ड प्रोनाउंस करना आ गया. आई हैव माय ओन थिंग, माय ओन बिजनेस, आई एम द किंग ऑफ माय ओन लाइफ एंड ये वो वगैरह. बट आई फील दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड. बहुत लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या सत्या नडेला या सुंदर पिचाई एक एंटरप्रेन्योर है या एक सैलरीड प्रोफेशनल है? अब कागज़ पे तो एक सैलरीड प्रोफेशनल है. ना उन्होंने वो कंपनी शुरू करी थी, ना वो कंपनी के मालिक हैं, ना उनके पास कंपनी में ज़्यादा शेयर हैं. उनको एक तनख्वाह मिलती है, लेकिन उनकी सोच जो है, द माइंडसेट, वो एक एंटरप्रेन्योर जैसी है, तभी वो उस मकाम पे पहुँचे. इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि वो शायद दुनिया के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं. फ़र्क सिर्फ यही है कि वो एक सैलरी लेके कंपनी चला रहे हैं और अपना खुद का नहीं कर रहे. दैट इज़ द की डिफरेंस, आप सोचते कैसे हैं. एंड आई लव दिस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि एक जॉब में रहकर भी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं अगर आपकी सोच अलग है. सो व्हेन यू लुक अराउंड अ कॉर्पोरेट सेटअप एंड यू सी सम पीपल विनिंग एंड सम पीपल नॉट विनिंग, यू सी सम पीपल प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोइंग फास्टर एंड यू सी सम पीपल नॉट, अक्सर द वंस हु आर विनिंग विल बी द वंस जो दूसरे लोगों से ना अलग सोच रहे हैं. वो ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे, वो अपने बिलीफ पे ज़्यादा चल रहे होंगे, वो फीडबैक पे ज़्यादा काम करते होंगे, वो ये सोचते होंगे कि मार्केट को क्या चाहिए और उसके वजह से हम कैसे बदल सकते हैं. वो कॉन्स्टेंटली स्टेटस को क्वेश्चन कर रहे होंगे, चैलेंज कर रहे होंगे.
And that is the entrepreneur's mindset. वो रिस्क से शायद डरते नहीं हैं। बिल्कुल। And I love that about just being an entrepreneur, क्योंकि आए दिन सिर्फ यही एक्सपीरियंस होता है, but the entrepreneurial mindset जो आपको इस के अधीन बना देता है, in the sense that पूरी जिंदगी आप एक entrepreneur जैसे जीना शुरू कर देते हैं। That's such a rich thought coming from you कि आप एक organization में रहकर भी entrepreneurial thought या mindset को बदलकर एक entrepreneur बन सकते हैं। Of course, हमारे स्टार्टअप मंत्रा में जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये थॉट एक गोल्डन एडवाइस है फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ कमिंग इन। लेकिन अब बात करते हैं चैलेंजेस की। और अंकुर, हर इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ कोर्स चलते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा समय आया, एंड 30s इज़ द टाइम जब आप एक्चुअली ये सोच रहे होते हो कि आप फिनेंशियली प्रोफेशनली इंक्लाइन हैं, और तब अगर कोई सेटबैक आ जाए, उस सेटबैक को किस तरह हैंडल करें। और ये सवाल आपसे इसलिए क्योंकि ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स हैं जो इस वक्त इस तरह के फेज से निकल रहे हैं। मेरी जर्नी में 29 साल की उम्र में मानसी, मैंने अपने पहले स्टार्टअप को छोड़कर कुछ और सोचने का फैसला लिया, लेकिन पता नहीं था कि क्या होगा। तो पैसे नहीं थे, स्टार्टअप का एक्सपीरियंस था लेकिन कोई नया आइडिया भी नहीं था, अभी अभी शादी हुई थी, बट आई वॉज टेक्निकली जॉबलेस विद नो मनी। एंड देन एग्जैक्टली 10 years लेटर एट द एज ऑफ 39 मैं वही स्पॉट में था। मैंने अपने स्टार्टअप से रिज़ाइन किया, nearby.com से। मैंने अपना पूरा पर्सनल वेल्थ स्टार्टअप में ही इन्वेस्ट किया था, सो आई डिड नॉट हैव एनी कैश। मैं ऑन पेपर तो करोड़पति था क्योंकि मेरे वो स्टार्टअप इक्विटी थी, लेकिन उसकी वजह से कोई पैसा नहीं था। यू ओनली न्यू इट। एग्जैक्टली। कोई इनफ्लो नहीं है क्योंकि कोई सैलरी वैलरी नहीं है अब, एंड कोविड हैड जस्ट स्टार्टेड, सो अपॉर्चुनिटीज वर ऑल्सो on a decline. तो 10 साल बाद finding myself in the exact same spot, and now here I am at 42, 43, thankfully in a much better spot. And I keep questioning myself कि ऐसा क्या होता है जो मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल लेता है। And I think that there are 3 things. One, because I cannot qualify and quantify it, I have to express it, luck. Just being at the right place at the right time. लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि लक का मतलब आप उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते, एंड वो गलत है। ओके। लक प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन डिज़ाइन करी जा सकती है। हियर्स एन एग्जांपल। फ़र्ज़ करिए कि आप हर रोज़ एक फाउंडर को एक कोल्ड ईमेल लिखते हैं। वो फाउंडर आपको नहीं जानता है, आप उनको जानते हैं, एंड आप हर एक नए फाउंडर को एक ईमेल लिखते हैं कि यार मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपने वो ईमेल भेजी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि एक उस ईमेल का जवाब आएगा? वेरी लेस, 1% भी नहीं है शायद। लेकिन अगर 1% मान के चलते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ईमेल भेजेंगे 100 फाउंडर्स को, तो एक का जवाब आ जाएगा, एंड वही एक शायद आपको चाहिए होगा। एक यस चाहिए, बहुत सारे यस नहीं चाहिए जिंदगी में, एक यस एंड दैट शुड बी इनफ। सो हाउ डू यू क्रिएट लक? बाय सेंडिंग 100 ईमेल्स ओवर 100 डेज। उसमें से कौन सी ईमेल का जवाब आएगा आपको नहीं पता, कौन से फाउंडर का जवाब आएगा आपको नहीं पता, क्या जवाब आएगा आपको नहीं पता, but you create your luck or you design your luck by following this process so that you increase the surface area. So sabse pehli cheez luck. Second is the realization ki hum zindagi mein is maqam pe hain jahan hum bhookhe nange nahi marne wale. Itna padha hai, itni values mili hain, itni intelligence hai, itna experience hai ki hum zindagi mein apna aur apne parivar ka khayal rakhenge. Fight hai ki hum kitne upar ja sakte hain. And that is where people often feel that they are not successful. Right. Like if I ask anybody here, are you successful? And if somebody says no, it is not because they have a poor life or an unsuccessful life. It is because they think ki wo wahan tak pahunche nahi hai jahan unhe pahunchna chahiye. Their definition of success is different. Exactly, right? Wo bangla ho sakta hai, gaadi ho sakti hai, bahut paise ho sakte hain, shaan chaukat jo bhi hai. But if you realize ki aapka base covered hai na, then nothing will go worse than that. Is a very empowering thought. मुझे कम से कम बहुत उससे ताकत मिलती है, एक courage मिलता है, और cushion भी कि यार इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए जिंदगी में, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। So वो एक cushion और एक courage जो मिलना है वो बहुत ज़रूरी है। And then the third thing, which is if you keep showing up every day, then ultimately things will work. Things don't work if you stop showing up. अगर आप रोज़ आकर पूरी लगन से, पूरी शिद्दत के साथ वो करेंगे जो आपको करना चाहिए, देन कभी ना कभी चीज़ें आपके साइड पे आ ही जाएंगी। कब आएंगी शायद आपको नहीं पता, कितना वक्त लेगा नहीं पता, लेकिन इनएविटेबल है कि वो होके रहेगा। ओके। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो उस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही गिव अप कर देते हैं।
तो मेरी बुक में एक बहुत खूबसूरत कोट मैंने लिखा था, द प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। एक्सपर्ट वो इंसान है जो शुरुआत से हर रोज हर रोज हर रोज आकर प्रैक्टिस करता था एंड तभी वो एक्सपर्ट बना है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, रॉजर फेडरर हो, रोनाल्डो हो, कोई भी माँ के पेट से नहीं बन के आता। हर एक इंसान शुरुआत से कहीं शुरू करता है, कुछ उनका लक होता है, कुछ उनका एक कुशन होता है, लेकिन एवरी डे शोइंग अप इज व्हाट एलिवेट्स देम टू दैट एक्सपर्ट लेवल। अंकुर, आप मोटिवेशनल गोल्स दे रहे हैं हमारे व्यूवर्स को, जहां आप कह रहे हैं जिस तरह से आपने एक्चुअली ये प्रोसेस को डिफाइन किया, एंड ऑफ कोर्स अड़े रहें, थके नहीं, हारे नहीं, डटे रहें इज एक्चुअली द मंत्रा। बिल्कुल अंकुर, ये तो हुई बात उन फेजेस की जहाँ हम लिटरली एक लेवल पर पहुँचे हैं और उसके बाद सेटबैक आया है, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने शुरुआत की है या मे बी जो कॉलेज में हैं, आपको सुन रहे हैं, हमारे माध्यम से उन्हें क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा शब्द हो गया है जो कि काफ़ी फैंसी है, लोगों के मन में है कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक स्टार्टअप करना है, लेकिन किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्लस माइनसेस इससे जुड़े हुए हैं और आज की नई पीढ़ी, द न्यू एज, इसको आप क्या एडवाइस देंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मानसी। मेरी एडवाइस काउंटर एडवाइस होगी, ये नहीं कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, बट ये कि स्टार्टअप क्यों नहीं करना चाहिए। ओके, एंड तीन रीजन क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर एक, पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप मत करना। पैशन ज़्यादा आसान है एक नौकरी करके एक पैसे कमाना, जेन्युइनली। ओके, क्योंकि हम ना सिर्फ वो कहानियाँ सुनते हैं जहाँ लोग करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे पैसे उठा लिए हैं, बहुत सक्सेस मिल चुका है, तो सर्वाइवरशिप बायस नाम की एक चीज़ होती है जो हमारे साथ होने लगती है कि सिर्फ उन्हीं की कहानियाँ सुनते हैं जो बच गए। हम कभी उनकी कहानियाँ नहीं सुनते जो बेचारे मर गए। उनकी कहानियाँ सुनेंगे ना तो आपको ज़्यादा रियलिटी पता चलेगी, लेकिन उनकी कहानी कभी भी सुनाई नहीं देगी। तो प्लीज़ पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप मत करिए, क्योंकि बहुत 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 मुश्किल तरीका है पैसे कमाने का। स्टार्टअप सक्सेसफुल होना पड़ेगा, आपको पैसे उठाने पड़ेंगे, उसको प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं आप एक सैलरी ले पाएंगे, फिर कभी जाके उसको पब्लिक करेंगे या किसी इन्वेस्टर को बेचेंगे तो आपके इक्विटी का एक कैश आपको मिलेगा। बहुत छोटा पतला सा फनल है। नंबर दो, स्टार्टअप इसलिए मत करिएगा क्योंकि आप अपनी करंट ज़िंदगी से परेशान हैं। इनफैक्ट ये तो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए लागू होता है। कोई भी ऐसी चीज़ मत करिए क्योंकि आप अपनी करंट ज़िंदगी से परेशान हैं, क्योंकि वो एक एस्केपिस्ट मेथड है। आप क्योंकि अपने करंट रिश्ते में खुश नहीं हैं तो एक दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, करंट जॉब में खुश नहीं है तो दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, करंट सिचुएशन में खुश नहीं है तो दूसरा सिचुएशन ढूंढ रहे हैं, बट दैट इज़ रनिंग अवे फ्रॉम वेर यू आर। यू हैव टू डू अ स्टार्टअप बिकॉज यू जेन्युइनली वॉन्ट टू डू अ स्टार्टअप, नॉट बिकॉज यू हेट योर करंट जॉब। That is not the reason. And number three, सबसे important इस generation में, startup इसलिए मत करिए क्योंकि हर एक इंसान कर रहा है। क्योंकि वो भेड़ चाल जो है ना, वो जिंदगी में हर एक चीज में होगी। वो फोमो जो है, फोमो में जिंदगी नहीं जीना है। In fact, हम ET नाव पे हैं तो investing for example. Exactly. Hey, do not invest in FOMO. FOMO में invest मत करिए. Because that is the worst way to ride any sort of wealth creation process. एनीवे, स्टार्टअप पे वापस आते हुए, ये तीन रीज़न है कि आपको नहीं करना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन रीज़न दैट आई जेन्युइनली बिलीव स्टार्टअप करना चाहिए, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट। आई अग्री टू द एक्सटेंट कि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप पैसे ना कमा पाएँ, किसी को खुश ना कर पाएँ, यू विल स्टिल बी हैप्पी, क्योंकि आपको पता है कि आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी और पूरी कोशिश करी एंड शायद काफ़ी करीब आ गए उसको सॉल्व करने के भी। That is the joy and the excitement of yes. If you do that, then that is the best way to do it. And अगर आप young हैं, आप college student हैं या अपने 20s में हैं, please failure से मत डरिए, क्योंकि अपने 20s में आप जितना ज़्यादा हारेंगे और उससे सीखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे। वो लोग कभी नहीं जीत पाते हैं जो हारने से ही डरते हैं, वही लोग जीतते हैं जो हारते हैं और हार से सीखते हैं। And that should be the only way that you go about living life. Don't look for failure, but if you fail, let it come. Absolutely embrace it and ask yourself, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, इससे क्या सीख सकता हूँ, अगले दिन जिंदगी कैसे अलग ढंग से जी सकता हूँ from how I was running it before the failure happened. और be it in your 20s or your 30s, ये तो शुरुआत है, आगे इतनी लंबी जिंदगी है, बहुत लंबी जिंदगी है, there's so much to see and there's so many achievements which may come your way अगर आप daring audacity दिखाएं. ऑफकोर्स हम यहाँ पर स्टार्टअप और आपकी जर्नी की बात कर रहे हैं और आपको सुन रहे हैं जितने भी व्यूअर्स हैं, देर आर अ लॉट ऑफ फैन फॉलोअर्स, बहुत सारे
admirers and I am also one such. Thank और you. आप जो content provide करते हैं, जो motivational quotes provide करते हैं, आपके threads they help a lot. Thank you. और ऐसा ही एक thread meditation पर आपने लिखा था, which made me also actually write to you and I was so happy when yes, I did that. Yes, I remember and that. And I got a reply as well. Meditation कितना helpful रहा है आपकी journey में? इतने कूल आप कैसे रहते हैं, किस तरह से लाइफ को आप डिफाइन करते हैं? ये सवाल आज बहुत पर्टिनेंट है मानसी. कल ही द US आई थिंक हेल्थ एडवाइजर इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक इंडियन अमेरिकन है, ही इशूड अ हेल्थ वार्निंग दैट लोनलीनेस इज एज क्लोज टू स्मोकिंग 6 cigarettes अ डे इन द US राइट नाउ. इट इज अ हेल्थ वार्निंग नाउ कि लोनलीनेस इज अ रियलिटी, प्लीज उसको डिनाई मत करिए और ये मत अज्यूम करिए कि सिर्फ कुछ ही लोगों को हो रहा है. इट्स अफेक्टिंग ऑलमोस्ट एवरी वन. वॉट मेडिटेशन डज विच सर्टली हैज डन फॉर मी, इसकी वो आपको आपके ख्यालों के साथ रहना सिखाता है. मेडिटेशन आपके ख्याल कंट्रोल नहीं कर सकता. मेडिटेशन ये नहीं बोल सकता कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं जेलस नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा. ना, मेडिटेशन सिर्फ ये बोलेगा कि मुझे पता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, एंड इट्स ओके, आई एम अवेयर ऑफ इट, एंड बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस वो गुस्सा धीरे धीरे चला जाएगा क्योंकि गुस्से का पर्पज सॉल्व हो चुका है. मुझे सिर्फ वाकिफ करवाना कि मुझे गुस्सा होना चाहिए. बस जैसे ही मेरे को पता चलेगा कि मैं गुस्सा हूँ और मैं गुस्से को बोलूँगा कि मुझे पता है कि मैं गुस्सा हूँ, गुस्सा चला जाएगा. इट्स ब्यूटिफुल एंड इट्स मैजिकल. यू ओनली एक्सपीरियंस इट वेन इट हैपन्स टू यू. बहुत मुश्किल है ये नरेट कर पाना शब्दों में, बट ये एक ऐसी जर्नी है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा पर्टिकुलरली पीपल इन देयर 20s, क्योंकि सबसे मुश्किल रिश्ता खुद का होता है. बाकी सब तो हम ऑलमोस्ट एस्केप करने के लिए होते हैं, हम दोस्त बना लेंगे क्योंकि हम एस्केप करना चाहते हैं या हम एक तरीके का एक बंधन बनाना चाहते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े या विचार ना करना पड़े, वरी ना करना पड़े, या माँ बाप के साथ का रिश्ता, भाई बहन के साथ का रिश्ता. बट हम में से कितने लोग दिन में 10 मिनट अपने साथ बैठ सकते हैं विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी नोटबुक, विदाउट एनी थिंग, जस्ट यू एंड योर थाट्स. खाने को आता है, खाने को आते हैं वो, बट दैट इज़ द जर्नी. इट इज़ नॉट ईजी, बट इफ़ यू बिल्ड दैट देन यू विल ओनली हैव योर सेल्फ टू थैंक. It's such a nice thought and in fact हम इस interview के end पर पहुँच चुके हैं, but before we end this interview a quick rapid fire because there are a lot of questions और अगर इसी तरह आगे चलते गए तो ये शायद 1-2 घंटे निकल जाएंगे, but आपसे सवालों का सिलसिला खत्म नहीं होगा. तो quickly कुछ rapid fire questions which will also add to this interview. अंकुर, अगर आप एक सुपर हीरो होते हैं तो आप कौन से सुपर हीरो होते हैं? Who do you admire? Batman. ओके. स्क्रीन टाइम जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, दिन में कितना स्क्रीन टाइम आपका होता है? 3 से 3.5 घंटे. ओके. बिंज वॉचिंग, कितना बिंज वॉच करते हैं आप? क्या आपको मूवीज देखना पसंद है, सीरीज देखना पसंद है? कनेक्ट सीरीज से करते हैं या मूवीज से करते हैं? मूवीज के साथ कनेक्ट करता हूँ, सीरीज में कोई भी नहीं देख पाता, देख ही नहीं सकता. व्हिच वाज द लास्ट मूवी यू डिड वॉच? मैंने संडे को देखी जापानीज एनिमे सुजुमे, बहुत बढ़िया मूवी है, एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन एनिमे. मैंने कभी कोई एनिमे नहीं देखी है एंड आई वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोन बाय इट. इट्स अ गुड वन टू वॉच. सर्टेनली. बेस्ट एडवाइस यू वुड गिव टू द वंस हियरिंग यू राइट नाउ? मेरे पहले मैनेजर ने मुझे ये एडवाइस दी थी, इफ आई कांट ट्रस्ट यू इट डजंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर. अगर मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार हैं. एक ऐसा कूलेस्ट अकाउंट बताएं जो आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं एंड यूजुअली लाइक इट. एक कॉमेडियन है यूएस के, एडम के नाम से, और बहुत अच्छे इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं. अंकुर, व्हाट इज योर मंत्रा फॉर लाइफ? डू एपिक शिट. अ बुक वर्थ रीडिंग जो आप किसी को भी एडवाइस करेंगे? एटॉमिक हैबिट्स एक बहुत बढ़िया बुक है, खासकर आप अगर अपने 20s में हैं, इट्स अ ग्रेट बुक टू रीड इन योर 20s. ठीक है. और योर गुरु, आप किसे गुरु मानते हैं? मैं किसी एक शख्स को गुरु नहीं मानता हूं. मेरी जो दूसरी किताब है उसका इंट्रोडक्शन है डेडिकेटेड टू ऑल माय टीचर्स मोस्ट ऑफ हुम डू नॉट नो मी. तो मैं बहुत लोगों से सीखा हूं क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन से सीखता हूं. तो कोई एक गुरु नहीं है, कोई एक मेंटर नहीं है, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड. स्टार्टअप एक जुनून है और इस जुनून के साथ अगर अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे तो आपकी जीत तय है. थैंक यू सो मच अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी सोच, आपके विचार हमारे साथ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए. लोग आपको बेहद पसंद करते हैं और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आगे पसंद करते रहें. थैंक यू सो मच मानसी, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हमारे इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ. नमस्कार.